एसडीएफ न्यूज स्वागत करता है आपका 10 बड़ी खबरों के साथ, मैं हूं आजाद। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिस प्रकार सत्ता और विपक्ष के बीच तनातनी और बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रहा, उससे आम जनता का लेना देना नहीं। बयानबाजी के इस रैपिड फायर राउंड के बीच जदयू के राष्ट्रीय महासचिव के सी त्यागी ने कहा कि चुनाव पर किसी नेता के बयान का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आयोग कई बार कह चुका है कि चुनाव तय समय पर ही होंगे। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने राजद को चुनौती दी है कि लालू राबड़ी शासनकाल के दौरान विभागों के कामकाज का श्वेत पत्र लाए। उन्होंने राजद पर अभी भी नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान केवल कागजी घोड़े दौड़ाने सम्मान होता है, जिसका तत्व से कोई सरोकार नहीं होता, यह कहना है सूचना और जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार का। सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का मानना है कि प्रवासी श्रमिकों के हित में है गरीब कल्याण रोजगार योजना, इसके तहत व्यापक स्तर पर गरीबों को रोजगार मुहैया कराई जा रही है। बिहार में कोरोना संक्रमितों को लेकर सरकारी स्तर पर किए जा रहे प्रयासों के बावजूद सूबे में इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 500 तक हो गई है, जो चिंता की बात है। 60 वर्ष के ऊपर उम्र वाले लोग अधिक प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जांच कार्य में तेजी लाने का लगातार आदेश दिया है। निजी अस्पताल में जब से इस कोरोना के इलाज की बात हुई है, तभी से अधिकतम तथा न्यूनतम दर को लेकर खींचतान होती रही। इस बीच सरकार अपने स्तर पर अधिकतम दर निर्धारित करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। संभावना है कि 20,000 रुपए प्रतिदिन दर निर्धारित हो। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर पटना में यातायात व्यवस्था की नई गाइडलाइन दी गई है। इसके तहत 15 अगस्त की सुबह 7 बजे से ही डाक बंगला चौराहे से लेकर गांधी मैदान की ओर जाने वाली सड़क पर रोक लगी रहेगी। मुख्य समारोह गांधी मैदान में ही सादगी से मनाई जाएगी, जहां 9 बजे मुख्यमंत्री झंडोत्तोलन करेंगे। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान के बयानों को जदयू ने गंभीरता से लिया है। इस मुद्दे को लेकर सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने लोजपा से कहा है कि जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काटने की बात कर रहे हैं। बताते चले कि कोरोना और बाढ़ नियंत्रण को लेकर दोनों के बीच तल्खी बढ़ी है। सामान्य विधि व्यवस्था के साथ आसन विधानसभा चुनाव को लेकर बेहतर पुलिसिंग हो, इसके लिए अभी से तैयारी के मूड में पुलिस मुख्यालय आ गया है। सभी जिलों के पुलिस कप्तानों से अधिकारियों की संख्या बल मांगी गई है। अब शोरूम से नई गाड़ी तभी उपभोक्ताओं को दिए जा सकते हैं जब उस पर रजिस्ट्रेशन और हाई सिक्योरिटी नंबर लगे हो। ऐसा नहीं होने पर डीलर के साथ वाहन मालिक पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो अब तक 10 बड़ी खबरों को आपने देखा। आप बने रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए एसडीएफ न्यूज के साथ, और साथ ही इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।